तो और भाइयों क्या हाल आप सबके, आप सबका स्वागत है एक और नई अमेजिंग वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली पापा की परियों पर है। इस वीडियो में मैं आपको पापा की परियों के ऐसे ऐसे कारनामे दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आप खूब हंसने वाले हो, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। यार ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि लड़कियों को स्कूटी चलाना नहीं आता, लेकिन इस सच्चाई में एक अपवाद आ गया है। हाँ आप जरा एक क्लिप देखिए। वैसे तो लड़कियों को सच में स्कूटी चलाना नहीं आता, लेकिन इन मैडम जी ने तो कमाल कर दिया। आप इस क्लिप में देख सकते हैं ये मैडम जी स्कूटर के ऊपर खड़ी हुई है, और सिर्फ यही नहीं वो साथ में डांस भी कर रही है। लेकिन सारी लड़कियां इतनी टैलेंटेड नहीं होती, जैसे कि इनको देख लीजिए। ये मैडम जी खाली सड़क पर स्कूटी चला रही है। अब ये यहाँ पर बड़े आराम से स्कूटी को मोड़ सकती है, लेकिन आप जरा खुद ही देख लीजिए ये मैडम जी क्या करती है। नहीं भाई सच में यहाँ पर लड़की की कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पर सारी की सारी गलती तो सड़क की और स्कूटी की है। आप सब सीआईडी के दया को तो जानते होंगे जो दरवाजा तोड़ने में बड़े ज्यादा एक्सपर्ट है भाई। अब तक आपने पापा की परियां तो बहुत देखी होंगी, अब चलिए आपको मिलवाते हैं पापा की दया से। हाँ जरा ये क्लिप देखिए। सीआईडी के दया तो अपने हाथ से दरवाजा तोड़ने में एक्सपर्ट है, लेकिन इन मैडम जी का कुछ अलग ही स्टाइल है। ये मैडम जी अपनी स्कूटी से दरवाजा तोड़ती हैं, लेकिन दरवाजा तोड़ने के चक्कर में दरवाजा तो नहीं टूटा लेकिन स्कूटी जरूर टूट गई। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन शायद इन दीदी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। हाँ जरा ये क्लिप देखिए। ये क्लिप एक ऑनलाइन क्लास की है, जहाँ ये लड़की ऑनलाइन क्लास में टीचर के क्वेश्चन का आंसर दे रही है, लेकिन आप जरा खुद ही देखिए ये आंसर कैसे देती है। अच्छा टेल मी angle sum property of a triangle. What is angle sum property of a triangle? What is angle sum property of triangle? Yes. According to Baijiu's theorem 1. Wow. Wow. Divya ji. ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? अरे दिव्या जी आप तो सच में टॉपर निकली। दिव्या ने चीटिंग करने की ट्राई तो की, लेकिन शायद इन्होंने चीटिंग की कोई प्रैक्टिस पहले नहीं की थी, और इसीलिए एन समय पर ये फंस गई। इसीलिए मैं आपको दोस्त होने के नाते एक एडवाइस देता हूँ। वैसे तो चीटिंग करना गलत बात है, लेकिन अगर आपको चीटिंग करनी ही है तो पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, कहीं आपके साथ भी दिव्या जी वाला काम ना हो जाए। ठीक है? ठीक है। अगर आप होममेड जिम में वर्कआउट करना चाहते हैं तो घर में जुगाड़ द्वारा बनाए गए जिम में जरा अपना ध्यान रखना, कहीं आपके साथ भी इन मैडम जी वाला काम ना हो जाए। अरे बड़े आराम से जिम करो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जरा अपना थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए ना, वरना रील बनाने के चक्कर में ऐसे मुंह फूटते रहेंगे। और हाँ रील से मुझे कुछ क्लिप याद आ गई। हाँ जरा ये देखिए, ये लड़की भी अपने आप को एक्ट्रेस की तरह मानते हुए इंस्टाग्राम पर मॉडल बनना चाहती है, जिसके लिए इसने रील बना ली। और हाँ रील बनाने के लिए भी टैलेंट चाहिए, तो आप जरा खुद ही देख लो इसका टैलेंट। चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये कौन सा टैलेंट है भाई? ये पापा की परियां गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर रील बना रही हैं, और रील बनाते वक्त बड़े मजे से गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर डांस कर रही हैं। लेकिन शायद ये पापा की परियां भी सलमान खान की तरह साइंस को थोड़ा हल्के में लेती हैं, इसलिए इस लड़की ने अपने वजन का अंदाजा नहीं लगाया और गाड़ी के शीशे पर खड़ी हो गई, और इस लड़की की छोटी सी गलती ने हजारों का नुकसान करा दिया। आज के समय में कलयुग बहुत ही ज्यादा घनघोर हो चुका है, और मुझे तो लग रहा है दुनिया का अंत बहुत ही ज्यादा नजदीक है। एक सिंपल आदमी बच्चे को तो हमेशा अपनी गोद में रखता है और पालतू जानवर को हमेशा अपने साथ बांध कर रखता है, लेकिन इन मैडम जी के दिमाग को तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। आप जरा ये फोटो देखिए, इन मैडम जी ने इस कुत्ते को तो गोदी में उठा रखा है और इसके बच्चे को धरती पर ही छोड़ दिया। मैं एलोन मस्क जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मंगल पर घर बनवाओ भाई, क्योंकि इस फोटो को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली। लड़कियां कोई भी बात अपने पेट में ज्यादा समय तक नहीं पचा सकती, और इसीलिए हम ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि लड़कियां बहुत ही ज्यादा चुगली करती हैं। वैसे आज के समय में चुगली करने में लड़के भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी चुगली करने के मामले में तो लड़कियां ही बाजी मार लेती हैं, और इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल है ये फोटो। दरअसल बात ऐसी है कि ये महिला यहाँ पर सुसाइड करने आई थी, लेकिन यहीं पर इसको एक अपनी पुरानी सहेली मिल गई। तो बस क्या सुसाइड वाले काम को रोककर चुगली करने शुरू।
ये बेचारे सहायता समूह वाले भी वेट कर रहे हैं कि कब ये नीचे कूदे और कब इसको हम बचाएं। मैंने आज तक बहुत बड़े बड़े फोटो शूट देखे हैं, लेकिन ऐसा फोटो शूट देखकर मैं तो धन्य हो गया भाई। ये फोटो खींचने में कैमरामैन ने अपनी सारी स्किल लगा दी। और इस घरेलू मॉडल का पोज तो देखो जरा, ऐसा यूनिक पोज आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। लड़कियों में टैलेंट तो कूट कूट के भरा होता है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। अब आप जरा इन स्कूल गर्ल्स का टैलेंट देखिए। अगर आपके दिमाग में भी कोई खुरापाती नाम का कीड़ा है तो आपको भी शायद दो बूंद पोलियो की जरूरत है। अब चलो, लड़कियों ने स्कूटी तो बहुत चला ली, अब थोड़ी बाइक भी चला ले। अब चलो, लड़की का तो मुझे पता है कि वो कैसी बाइक चलाने वाली है, लेकिन ये बेचारा लड़का पीछे क्यों बैठा है यार? शायद इस लड़की को पता नहीं है कि इसने पीछे बैठ के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन कुछ भी कहो भाई, लड़का अपना दिमाग वाला निकला। एंड समय पर जैसे लड़के को लगा कि हाँ बाइक तो समझो गई, जानबूझकर लड़का नीचे गिर जाता है और लड़की मोटरसाइकिल के साथ झाड़ियों में अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। प्राचीन काल से एक रीत चलती आ रही है कि ज्यादातर लड़कियां स्कूटी को अपने पैरों से रोकती हैं। हाँ मानो ब्रेक का तो स्कूटी में काम ही ना हो। और ऐसे मैडम ही तो इस प्राचीन काल रीत को चलाती आ रही हैं। आप इस क्लिप में देख सकते हैं, ये लड़की स्कूटी की अचानक से रेस दे देती है, लेकिन जैसे स्कूटी भागने लगती है तो लड़की ब्रेक मारने के बजाय अपने पैरों से स्कूटी को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब लड़की चुक गई खेत। नहीं, शायद ऐसा नहीं था, चलो जो भी है। वैसे यार, अगर ये कैमरा नहीं होता ना तो इस लड़की को कोई चाहकर भी नहीं ढूंढ सकता था। आजकल एक आम आदमी मोबाइल का कितना ज्यादा यूज करने लग गया है ये तो शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा समय तक मोबाइल पर बात करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हाँ, जैसे इन मैडम जी के साथ हुआ। ये मैडम जी किसी बस स्टैंड पर बैठकर बड़े आराम से मोबाइल पर बातें कर रही है, और ये मैडम जी अपनी ही जिंदगी में खोई हुई है, और इस बात का अच्छे से फायदा उठाता है ये चोर। और ये चोर इन मैडम जी का बैग इतनी आसानी से चुरा लेते हैं, लेकिन इन मैडम जी को इस बात की भनक भी नहीं लगती। और इसका सबसे मेन रीजन था मोबाइल, यानी कि फोन। इसलिए कहता हूँ कम फोन चलाया करो, वरना कहीं आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। अब आप ये मत सोचना कि सिर्फ लड़के ही चोरी करते हैं, क्योंकि हमें ये बात बड़े अच्छे से पता है कि चोरियां किसी भी काम में लड़कों से कम नहीं है, और यही बात चोरी में भी साबित हो गई। हाँ, वैसे तो ज्यादातर चोर लड़के होते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखिए जरा। हाँ, ये मैडम सड़क के बीच में रखे हुए गमले को ही चुरा लेती है। चुराने का तो ये लड़की कुछ महंगा सामान भी चुरा सकती थी, लेकिन इन्होंने कोई ज्यादा लालच नहीं दिखाया। हाँ, मुझे पता है यार, आप में से बहुत सारी लड़कियां देख रही होगी इस वीडियो को, जो सोचेंगे यार सिर्फ ये बंदा पापा की परियों परी वीडियो बना रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो कि मैं पापा की परियों के बाद माँ के छिपकलों पर भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ तो भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।